Fever.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं। मित्रों, में भारत के पश्चिमी छोर पर पैदा हुआ और आज पूर्व में जहां मां गंगा सागर को मिलती है वो जगह पे जाकर मैं आप लोगों के दर्शन कर रहा हूं। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। ये परिवर्तन यात्रा का पांचवा चरण शुरू हो रहा है और ये परिवर्तन यात्रा बंगाल के हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर जाने वाली है। 294 विधानसभा क्षेत्रों से ये परिवर्तन रथ गुजरने वाला है। आप मुझे बताओ, सारे भाइयों बहनों बताओ, ये 294 क्षेत्रों से हम तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ फेंकेंगे क्या? जरा जोर से बोलो, उखाड़ फेंकेंगे क्या? जोर से बोलो, उखाड़ फेंकेंगे क्या? ये परिवर्तन यात्रा श्री नरेंद्र मोदी का संदेश लेकर आ रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई, ये बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने की लड़ाई है और ये लड़ाई हमारे बूथ के कार्यकर्ता और तृणमूल कांग्रेस की सिंडिकेट के बीच की लड़ाई है। सिंडिकेट के बीच की लड़ाई, ममता बनर्जी की सरकार निकालकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाना हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है बंगाल की स्थिति में परिवर्तन हो। हमारा लक्ष्य है बंगाल की गरीब जनता में परिवर्तन हो। हमारा लक्ष्य है बंगाल की माताओं और बहनों की स्थिति में परिवर्तन हो। ये परिवर्तन यात्रा इसके लिए लाए कि आप एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए, बंगाल के सारे कर्मचारियों को सातवां वेतन आयोग देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर। मैंने अभी एक दृश्य देखा, कमर जितने पानी में नहर में हमारे शिक्षक भाई बहन अपनी तनख्वाह के लिए, न्याय के लिए लड़ रहे हैं। मैं आपके सारे, बंगाल के सारे शिक्षक भाइयों को बताना चाहता हूं कि बंगाल सरकार आते ही आपको उचित मानधन मिले, इसके लिए एक कमिटी का गठन भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। सरकारी नौकरियों में इतनी सारी माताएं बहनें बैठी हैं, सरकारी नौकरियों में 33% से ज्यादा आरक्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में देगी। मित्रों, आज मैं आपको बताने आया हूं कि ये जो क्षेत्र है, एक क्षेत्र के अंदर हम मछुआरों के कल्याण के लिए ढेर सारी योजना लाने वाले हैं। मित्रों, ये गंगा सागर, उसको हम अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में इसको हम विकसित करने जा रहे हैं और गंगा सागर को केंद्र सरकार की प्रसाद योजना के तहत भी हम लेकर आएंगे। और जो मेला लगता है उत्तरायण के दिन, 14 जनवरी के दिन, वो मेले को अंतर्राष्ट्रीय मेला का हम दर्जा देकर पूरे दुनिया भर के यहाँ पर टूरिस्ट आए, इस प्रकार की बात करेंगे। मोदी जी ने 3500 करोड़ रुपया भेजा
मगर कुछ नहीं हुआ। मित्रों, टीएमसी का एक ही नारा है, भतीजा बढ़ाओ। भतीजे के कल्याण के अलावे टीएमसी के मन में और कोई कल्याण नहीं। बंगाल में जो राजनीतिक हिंसा होती है उसमें 130 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मारे गए कि ममता दीदी, तृणमूल के गुंडों ने हमारे 130 कार्यकर्ताओं को मार डाला है, उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, बंगाल की धरती पर ताकत के साथ कमल खिलने वाला है। और जो गुंडे ममता दीदी की सह पर आज छिप कर बैठे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं, जहां छिपना वो छिप जाओ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पाताल में से ढूंढकर जेल की सलाखों के पीछे आपको डालेंगे। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये बंगाल में घुसपैठियों को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जरा जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ये दीदी घुसपैठियों को रोक सकती है क्या? रोक सकती है क्या? घुसपैठियों को हटाना है, रोकना है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, घुसपैठिया क्या परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा। मित्रों, परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा। मित्रों, बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जरा जोर से बोलो, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? दुर्गा पूजा के लिए कोर्ट में से परमिशन लेनी पड़ती है। सरस्वती पूजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जोर से बोलो, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सरस्वती पूजा बंद करा दी थी, ये तो दबाव आया भाजपा का कि दीदी सालों के बाद सरस्वती पूजन करती हुई दिखाई पड़ी है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा दीदी सरस्वती पूजन कर रही है। मगर दीदी, बंगाल की जनता को मालूम है आपने स्कूलों में सरस्वती पूजन बंद करा दिया है। मित्रों, यहां पर जय श्री राम का नारा लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? जोर से बोलो, लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? अब दीदी को गुस्सा आ जाता है कि मेरा अपमान कर रहे हैं। भला दीदी, जय श्री राम के नारे से आपका क्या अपमान होगा? होता है माताएं, बताइए, किसी का अपमान होता है क्या? होता है? हम नहीं डरते दीदी आपसे, ये बंगाल की जनता भी नहीं डरती, ये 24 परगना क्षेत्र की जनता, गंगा सागर की जनता भी नहीं डरती। मेरे साथ आप जय श्री राम का नारा लगाएंगे क्या? बोलिए, लगाएंगे? जोर से पीछे बोलो, लगाएंगे जय श्री राम का नारा? तो मैं जोर से लगाता हूं, ममता दीदी के कानों तक जय श्री राम का नारा जाना चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, माताएं बहनें भी उठाइए दोनों हाथ, और जोर से बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।